हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सामक राइस की खीर, जिसे समा के चावल भी कहते हैं। ये खीर स्पेशली व्रत में बनती है। ये खीर नॉर्मल चावल के राइस से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसे व्रत में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्लेवर्स विद श्रुति। हमने यहाँ पर कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी लिया है, जिसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच किशमिश का, जिसे हम अच्छे से एक मिनट के लिए भून लेंगे। आप देखेंगे कि किशमिश अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 700 ml नॉर्मल फैट मिल्क का। आप चाहे तो लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद आपको इस मिल्क को 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। फ्रेंड्स, अगर आप लो फैट मिल्क का यूज़ कर रहे हैं तो आपको दूध को गाढ़ा करने में 10 से 12 मिनट लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए 8 से 10 मिनट पकने के बाद दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे समा के चावल। ये करीब 100 ग्राम या 5 बड़े चम्मच है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। भीगे हुए चावल का पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया था। अब हम इसे दूध में ऐड करेंगे। चावल डालने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो ये चावल नीचे लग जाते हैं। 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, खीर बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गई है। आपको इसी कंसिस्टेंसी में खीर को रखना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये खीर और भी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/3 कप शुगर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी सी केसर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद लो फ्लेम पर एक मिनट के लिए खीर को अच्छे से पका लें, जिससे कि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक बड़ा चम्मच पिस्ता का, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ बादाम। आप जो चाहें अपने मन के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाजवाब व्रत की खीर बन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट को, यह कटा हुआ सेब। ये करीब 2 बड़े चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। सेब को आपको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और यकीन मानिए, इस इंग्रेडिएंट को ऐड करने से आपकी खीर बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप खीर को गर्म या ठंडा दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।